क्या आप जानते हैं जो पहला माइक्रोस्कोप बनाया गया था 1590 में हंस मार्टिन और जेकेरिस जेंसन के द्वारा, वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। और इस माइक्रोस्कोप का प्रयोग सन 1661 में एक वैज्ञानिक खोज के लिए किया गया था, जब मार्सेलो मारपीगी ने मेंढक के सूखे हुए फेफड़े में कैपिलरीज की खोज की थी। मतलब कैपिलरीज की खोज इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा की गई थी। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय टाइम्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।